गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड फ्रॉम टुमारो फ्रॉम यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड टू राइट सम क्वेश्चन आंसर दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. देखिए, एक्सप्लेन करना है कि पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है राष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, कैसे है. तो मैंने लिखा है इकोनॉमिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन विद द हेल्प ऑफ रेलवेज. देखिए, बहुत सारे तरीके की मदद से पब्लिक सेक्टर जो है राष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये क्या करता है, ये रोजगार अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है. सेकेंड, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट. या डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल रिसोर्स को जनरेट करता है. थर्ड, इट एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दस द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. ये क्या करता है, इक्विलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब इनकम और वेल्थ का ये क्या करता है, कोई इक्विलिटी प्रोवाइड करता है जिससे रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस होता है. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. ये क्या करता है, स्मॉल मीडियम और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को क्या करता है, एंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है. मतलब पब्लिक सेक्टर हर एक क्षेत्र में क्या करता है, जो भी आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज है या मीडियम इंडस्ट्रीज है या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा एंकरेज करता है. इट एंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेबल मॉडरेट रेट्स. आप मॉडरेट के बदले रिजनेबल रेट्स पर ले सकते हो. और ये क्या करता है, ये आसानी से वस्तुओं को स्थान दर पर सुनिश्चित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या विभेद है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो कंट्रोल और मैनेज किस द्वारा, सरकार द्वारा होता है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका कंट्रोल और मैनेज सरकार द्वारा नहीं होता है, मतलब ये इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होता है. जॉब्स आर सिक्योर्ड इन दिस सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जॉब्स आपका सिक्योर्ड होता है, आपका जॉब सुरक्षित है, उसमें किसी भी एजेंसी आपको नहीं कह सकता है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है, जॉब आपका सिक्योर्ड नहीं होता है, इसमें आपको ये गारंटी नहीं रहती कि आपका जॉब सुरक्षित है, आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है. वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्किंग आवर आपका फिक्स होता है. लेकिन अगर बात किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जिसमें वर्किंग आवर आपका फिक्स होता है, आपसे जितना मन उसे उतना काम दिया जा सकता है. जब पर तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है, 12 घंटे काम करना पड़ सकता है, तो ये जरूरत के हिसाब से आपसे काम करवाया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम हॉलीडेज आर गिवन इन दिस सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका मिनिमम हॉलीडेज, मैक्सिमम हॉलीडेज, हर एक सभी हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं. लेकिन अगर बात किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपका मिनिमम हॉलीडेज दिए जाते हैं सेक्टर, बहुत कम. हाई वेजेस आर पेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. इसमें ऊंचा वेतन आपको पेड किया जाता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको लो वेजेस पेड किए जाते हैं. इसके अलावा और भी आप देख सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर गिवन लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं. लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कहेंगे तो लिखोगे नो बेनिफिट्स आर गिवन इन दिस सेक्टर. फिर इसके अलावा आप और भी कुछ देख सकते हो, जो कि मैंने आपको जैसे इट्स टर्म्स आर फिक्स्ड, इट्स टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब इसका कार्यकाल जो है वो फिक्स होता है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है. तो इस तरह से बहुत सारे डिस्टिंग्विश लिख सकते हो. नेक्स्ट हमारा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा चरण 5. मतलब जो चरण 5 नरेगा चरण 5 को लागू करने का क्या मतलब, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको एक्सप्लेन करना है. तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेंड ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, देखिएगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 2000 डिस्ट्रिक्ट. द
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया है राइट टू वर्क, जो 200 जिलों में ये जारी किया गया है। सेकेंड, इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज। इसका क्या लक्ष्य होता है कि 100 डेज का रोजगार जो है प्रोवाइड करता है किसको, जनता को। थर्ड, टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, ये क्या करता है, इनकम और लोगों के रोजगार को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। फोर्थ, एवरी स्टेट रीजन कैन डेवलप रीजनल क्राफ्ट आईटी ईटीसी फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करता है, प्रत्येक सिटी या प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक रीजन क्या कर सकते हैं, वो टूरिज्म रीजनल क्राफ्ट और आईटी जैसे एम्प्लॉयमेंट को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ, गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, अगर सरकार लोगों को रोजगार देने में फेल हो जाती है तो क्या करती है, लोगों को बेरोजगार पता प्रोवाइड करती है, रोजगार बता देती है। हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। देखिए किस तरह से टर्शियरी सेक्टर अन्य सेक्टर से अलग है और इसको इलस्ट्रेट करना है कुछ एग्जाम्पल के साथ। द टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सेक्टर्स बिकॉज द अदर टू सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स बट दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस सर्विसेज रैदर देन गुड्स। देखिए टर्शियरी सेक्टर जो है वो अन्य दोनों सेक्टर से भिन्न है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से, और ये दोनों सेक्टर क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के नेचुरल सोर्स के हेल्प से वो प्रोडक्ट तैयार करता है, और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है। तो ये तो था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर गुड्स तैयार होते हैं। लेकिन अगर बात करें सर्विस सेक्टर का, तो ये वस्तुओं को तैयार करने बजाय क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवाएं देता है। दिस सेक्टर डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर जो है किसकी मदद से आपको डेवलप करता है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की मदद से डेवलप करता है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है शुगर कैन इज ग्रोन इन द फील्ड, शुगर कैन काम लाया जाता है खेतों में लाया जाता है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर लाया जाता है। एंड वी गेट एग्री फ्रॉम शुगर कैन इंडस्ट्री, और हम लोग इंडस्ट्री में चीनी सॉरी शुगर कैन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जैगरी, मतलब गन्ने से हमने क्या प्राप्त किया, गुड प्राप्त किया, कहाँ प्राप्त किया, इंडस्ट्री में, जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम लोगों को इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे क्या सर्विस प्रोवाइड किया ना, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल्स जिससे प्रूव होता है कि किस तरह से टर्शियरी सेक्टर जो है वो डिफरेंट है अदर टू सेक्टर से। तो आज के लिए उतना ही।